Network. तो जैरेड स्टन शोटियो की सेकंड मेंबर है स्टू के संग, और ये एक क्रोमैटिक ब्रॉलर है जो सीजन 12 के ब्रॉडपास में टियर 30 पे मिलेगी अगर आप ब्रॉडपास को खरीदते हो। जैरेड का मेल अटैक हाई नोट, तो जैरेड के मेल अटैक में होगा कि वो एक साउंड की वेव छोड़ेगी जो 1500 का डैमेज देगी, एंड अगर आप उसे होल्ड करोगे या फिर एम करोगे तो फिर वो स्टार्टिंग में ब्रॉडर होगी एंड शॉर्ट रेंज होगी, पर अगर आप उसे होल्ड करके या फिर एम करके रखोगे तो फिर वो लंबी हो जाएगी एंड वो नैरो हो जाएगी। जैनेट का सुपर क्रिसेंडो, तो फिर जैनेट के सुपर में होगा क्योंकि वो जैसे ही अपना सुपर ऑन करेगी वो कुछ सेकंड्स के लिए हवा में उड़ने लगेगी अपने जेट पैक से एंड नीचे कुछ बम्स छोड़ेगी। ओके, तो फिर वो नीचे कुछ बॉम्ब्स छोड़ेगी जो 900 डैमेज देंगे पर बॉम्ब एंड हिरोशिमा नागासाकी यार। एंड सीरियसली कह रहा हूँ, जैनेट का जो सुपर कंट्रोल करना है ना वो मतलब नानी के पीप को कंट्रोल करने जितना मुश्किल है। जैनेट का फर्स्ट गैजेट ड्रॉप द बेस, तो फिर जैनेट के फर्स्ट गैजेट में होगा कि वो एक टरेंट नीचे छोड़ देगी जो जिसकी 1500 की हेल्थ होगी एंड वो 1 सेकेंड 100 डैमेज देगा, मतलब वो देता ही रहेगा पूरे 20 सेकेंड तक एंड इसका टोटल 2000 डैमेज होएगा। और इसकी इतनी ज़्यादा रेंज है कि मतलब एनिमीज़ को लगना ही है ये, एंड ये यूज़फुल इसलिए है क्योंकि ये एनिमीज़ को रोकेगा हीलिंग करने से। जैनेट का सेकंड गैजेट बैकस्टेज पास, तो जैनेट के सेकंड गैजेट में होगा कि जैनेट जैसे ही अपना गैजेट ऑन करेगी तो फिर उसका जो नेक्स्ट अटैक होएगा वो जैसे ही वो डालेगी वो पीछे को पुश हो जाएगी, पर इसकी एक चीज़ है कि अगर जैनेट का जो अटैक है वो दूर तक जाता है मतलब वो दूर तक स्ट्रेच होता है तो फिर वो पीछे ज़्यादा होएगी पुश, एंड अगर पास मतलब हल्का सा ही दूर जाता है तो फिर वो कम पास हो एंड ये वॉल्स के थ्रू भी जंप कर सकती है जैनेट। जैनेट की फर्स्ट स्टार पावर स्टेज व्यू, तो जैनेट की फर्स्ट स्टार पावर होगा कि जैसे ही जैनेट अपना सुपर यूज करेगी तो फिर उसे बहुत ज़्यादा पुशेस दिखने लग जाएंगी, इतनी कि मतलब यार ये जो केविन चन का मैप है ना ये भी मतलब छोटा पड़ जाएगा। वैसे छोटा नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर एकदम एज से जैनेट यूज़ करेगी अपना सुपर तो फिर वो थोड़ा सा एरिया वहाँ पे हाइड रहेगा, पर तब भी ये इतनी रेंज है कि आपको मतलब पूरा मैप तो दिखी जाएगा। जैनेट की सेकंड स्टार पावर वोकल वार्म अप, तो जैनेट की सेकंड स्टार पावर में होगा क्योंकि जो जैनेट होल्ड करके अपना जो अटैक जो है वो लॉन्ग रेंज पे ले जाती है वो अब जल्दी जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि जैनेट का जो नॉर्मल विदाउट स्टार पावर रहता है वो बहुत ज़्यादा स्लो जाता है एंड ये बहुत यूजफुल होने वाली है एंड ये वही जो स्टार पावर है ये मेरी गो टू चॉइस रहेगी। ये है जैनेट की अटैक एनिमेशन और ये है जैनेट की सुपर एनिमेशन, ये है जैनेट की विनिंग एनिमेशन, ये है जैनेट की लूजिंग एनिमेशन, ये है वैल्करी जैनेट की मेन अटैक एनिमेशन, ये है वैल्करी जैनेट की सुपर एनिमेशन, ये है वैल्करी जैनेट की विनिंग एनिमेशन, ये है वैल्करी जैनेट की लूजिंग एनिमेशन। Rocket fueled awesomeness. Pain. Not groovy. Seems unfair since I'm rocket powered. Encore! Yeah, yeah, yeah. Rocket fueled awesomeness. Yeah! Pain. Not groovy. Encore! Seems unfair since I'm rocket powered. Yeah, yeah, yeah. To the stars! Fly me to the moon! Catch you on the flip side. People, Janet has left the building. Total bummer. Peace out. R.I.P. to me. I'm about to crash and burn. You clearly aren't a fan. What a dork. Not groovy. Don't be a downer. Pain. I feel low. Pain. I am dangerous. Remember, peeps, no points for second place. Sorry, can't see you from up here. I'm high. You're low. Yeah! I'm on another.
level. Ice in my veins. Seems unfair since I'm rocket powered. Let's reach for the stars, baby. I'm playing among the stars. Yeah, yeah, yeah. Rocket field awesomeness. Brace for impact. Watch the birdie. Flying high as a kite and ready to fight. Let's rock this out. It's gonna be a trip. This is your pilot speaking. Hey.